कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आज हम कढ़ी बनाना सीखेंगे। हाँ जी, राजस्थानी कढ़ी। देखिए, उसमें ये इंग्रेडिएंट डलते हैं। ये है जीरा, राई, लौंग, अदरक, तेजपत्ता, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश पौधा नहीं है तो मैं तोड़ के रख लेती हूँ इसको। और एक लेंगे हम हींग। ये देखिए, ये दही है। ये लगभग आधा किलो के लगभग दही है। और ये मैंने बेसन लिया है, ये वाली 2 चम्मच बेसन है ये। ठीक है, अब इसको दही को मैंने फेंट लिया है। और अब इसमें हम इस बेसन को मिलाएंगे। हम अपने बेसन को मिलाएंगे। हमने इसमें बेसन और दही को इकसार कर लिया है। ये देखिए, एक हो गया है बिल्कुल। बेसन भी आपको नजर नहीं आएगा, दही में ही हमने बेसन को बहुत अच्छे से मिला लिया है। ये हमने कढ़ाई ले ली है। ये देखिए, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं खाना हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। लगभग 1 बड़ा चम्मच हमने तेल ले लिया है सरसों का। एक आइडिया लगा लीजिए, हाथ पे भाप लग रही है, इसका मतलब तेल गर्म हो चुका है। अब हमने जो ये सामान लिया था, ये सारा ही हम इस तेल में डाल देंगे। अब ये एक हरी मिर्च है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सिर्फ इसके 2 टुकड़े करके, हम बारीक नहीं काटती हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चों के मुंह में आती है। और ये जिंजर को भी मैंने हल्का सा बिल्कुल फ्लेवर के लिए क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए, हल्की सी लाल मिर्च। ये देखिए, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी में मैं छोक में ही डाल रही हूँ। हल्का सा इसको आने दीजिए, फिर इसमें हल्का सा पानी। तैयार हो रहा है, इसमें मैं आधा ग्लास के लगभग पानी डालूंगी। और अब इस पानी को हम उबलने देंगे अच्छे से। ये 2 सेकंड में ही उबल जाएगा। ये पानी उबल गया है। ये पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि कढ़ी में तरी अच्छे से आ जाए। अब हम ये कढ़ी ये डालेंगे, दही और बेसन का मिक्सचर। वो एक साथ नहीं, बहुत धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारी कढ़ी फटे नहीं। बहुत बार होता है कि कढ़ी हमारी फट जाती है, तो कढ़ी हमारी फटेगी नहीं। इसको आप तब तक चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। हम उबाल आने के बाद ही इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। बस कढ़ी में 3 ही मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक और मिर्च। अब देखिए, इसको उबाल आने दीजिए। और जब तक उबाल नहीं आ जाएगा, हम इसको हिलाते ही रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो ये फट जाएगी। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे इसमें खदके आने दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी कढ़ी में उफान आ गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें हींग ऐड करेंगे। बेसिकली छोक पे हींग डालते हैं, लेकिन मैं छोक में नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू सारी खत्म हो जाती है उसमें डालने से। तो आप चाहे तो छोक में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें हम बिल्कुल हल्की सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जितना भी आपको चाहिए। ये देखिए, अब हम इसको हिला देंगे। अगर बाय चांस आपकी कढ़ी फट भी जाती है तो डोंट वरी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप इससे, जिससे हमने दही को मैश किया था, आप इससे ही इसको दोबारा मैश कर दीजिएगा, तो आपकी कढ़ी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। ये देखिए, अब हमारी कढ़ी में उबाल भी आ गए हैं, सब कुछ हमने मिलाया है। अब इसको कम से कम आप सिम पर, यानी कि बिल्कुल धीरे गैस पर पकने दीजिए, लगभग 20 मिनट तक, और आपकी कढ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी कढ़ी तैयार है। ये देखिए, है ना, बिल्कुल ढाबे जैसी बढ़िया कढ़ी तरी वाली।
ये देखिए, अब आप इसमें चाहें तो धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सब्जियों में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कैसे लगी बताइएगा ज़रूर और बनाइएगा ज़रूर।